हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि इसका लाभ बड़े बूढ़े बच्चे सारे लोग ले सके। जिन लोगों को अच्छा लगता है उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, इसमें हमारा साथ आप लोग भी जरूर दीजिएगा, क्योंकि सभी लोग स्वस्थ रहना चाहिए। गाँव गाँव में घर घर में योग होना चाहिए और उसका लाभ सभी लोगों को उठाना चाहिए। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है और यही मैं करता हूं और मैं स्वस्थ भी हूं और आप लोगों को भी चाहूंगा कि आप लोग स्वस्थ रहिए। तो देखिए अभी हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बच्चे से सूर्य नमस्कार कैसे करवाते हैं वो देखिएगा। फर्स्ट बार है, ये बच्चे कभी नहीं किए हैं, बट मैं इनको सिखाऊंगा और ये आशा करता हूँ कि ये बाद में अच्छे से कर पाएंगे। तो आज मैं एक बार करके इनको दिखाता हूँ। देखिए सारे बच्चे खड़े हो जाओ, थक गए क्या? कमजोर तो बच्चे नहीं हो? पावर किसके अंदर अंदर है? बताओ पावर किसके अंदर है? मेरा पावर है? नहीं है? अरे यस सर, बोल रहा है पूरा पावर है। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार कितने बच्चे करेंगे? तो कैसे करेंगे सूर्य नमस्कार देख लीजिए। सबसे पहला काम है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रणाम की मुद्रा करेंगे। दोनों छाती के बीच में अपने हाथ को इस प्रकार से रखेंगे, इस प्रकार से रखेंगे, ठीक है, और दोनों पैर को दो उंगल की दूरी, बस थोड़ा सा मात्र, और हाथ को ऐसे इस प्रकार से रखेंगे। तो ये एक नंबर है, कितना है? एक नंबर। सूर्य भगवान का ध्यान करेंगे, क्योंकि सूर्य भगवान में जितनी तेज है, गर्मी है, ओज है, चमक है, लाइट है, वो सारे मेरे अंदर आना चाहिए। ठीक है, ऐसा थॉट होना चाहिए। सूर्य भगवान का नाम लेना है, सूर्य भगवान के जैसा आपको प्रकाशमय वाला व्यक्ति बनना चाहिए। आप लोग के शरीर से प्रकाश एक निकलना चाहिए, लोगों को लाभान्वित होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान है तो आप जितना बांटेंगे वो भी प्रकाश है एक प्रकार का। तो हम सबसे पहला ये करते हैं, एक नंबर। दो नंबर में क्या करते हैं कि हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हैं, फेफड़े में पूरी हवा भरते हुए पीछे की तरफ जाते हैं। इस प्रकार से पीछे जाइए और फिर श्वासों को छोड़ते हुए आगे की तरफ आइए। सारे बच्चे आइए, दोनों हाथों को आगे की तरफ ले आइए। अभी करवाया था ना आप लोग से पादहस्तासन, तो दोनों पैर के बगल में रख दीजिए अपने हथेली को इस प्रकार से, और सिर को पैर से लगा लीजिए, और बाईं पैर को, लेफ्ट साइड का जो पैर है उसको पीछे लेकर के जाइए इस प्रकार से, और जो दाहिना पैर है आगे आपका ये आगे की तरफ ले जाइए इस प्रकार से, और खींचिए बॉडी को पूरा, खींचिए ऊपर आसमान की तरफ, और श्वासों को छोड़ते हुए अपने नाभि को देखिए, और दूसरे पैर को भी पीछे की तरफ ले जाइए इस प्रकार से, बनाइए अपने शरीर को, पूरा खिंचाव डालेंगे, फिर लगाएंगे घुटना, क्या लगाएंगे? घुटना, फिर लगाएंगे छाती, और फिर लगाएंगे ठुड्डी, ठीक है। हिप को उठा करके रखेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, ऊपर बॉडी को इस प्रकार से खींचिए, सभी बच्चे खींचो, और फिर श्वास को छोड़ करके फिर नाभि को देखेंगे, अपना अपना नाभि को देखेंगे, ऐसे हिप को उठाओ, एड़ी को जमीन में सटाओ, फिर लंबा गहरा श्वास लेकर के और बाएं पैर को दोनों हाथ के बीच में लाओ, ये बाएं पैर लेफ्ट साइड का पैर, और इसके बाद दूसरा पैर भी लाएंगे और श्वासों को बाहर निकाल देंगे, सिर को पैर से लगा देंगे, फिर श्वास को खींचते हुए पीछे जाएंगे और कोहनी से मिलाते हुए फिर प्रणाम की मुद्रा में आएंगे और फिर साइड में आ जाएंगे। ये सूर्य नमस्कार था, आपका पहला दिन है तो एक बार करके आप हम लोग को दिखाइए सारे बच्चे कि सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं, हम देखना चाहते हैं। तो सभी लोग आप भी करिए, एक एक में प्रणाम की मुद्रा बनाइए, चलिए बहुत बढ़िया। अभी देख लीजिए दूसरे नंबर पे क्या करना है आप लोगों ने, दूसरे नंबर में पूरा श्वासों को खींचते हुए पीछे की तरफ जाना है, चलिए जितना पीछे जा सकते हैं, हाथों को सीधा रखना है, आपने हाथ को सीधा रखे रहिए और जितना पीछे आप मुड़ सकते हो, अपने शरीर को मोड़ सकते हो उतना पीछे मोड़ दिया। अब श्वासों को छोड़ते हुए आगे की तरफ आइए, चलिए आगे की तरफ आइए, जो पादहस्तासन आप लोगों से करवाया था हमने, अपने सिर को टच करने की कोशिश कीजिए पैर से, पैर को सीधा रखिए, पैर में बैंड नहीं कीजिए आप लोग,
बहुत बढ़िया, शाबाश। इसके बाद क्या करना है आप लोग? ये कितना नंबर पे है बोलिए? हाँ, वेरी गुड। अब चौथे नंबर पे आपको बाई पैर को पीछे लेकर के जाना है। चलिए पीछे लेके जाइए, बाई पैर को ले जाइए और दोनों हाथ के बीच में एक पैर रहने दीजिए। दाहिना पैर आपका आगे रहेगा, दो हाथ एक पैर। हाँ, बॉडी को ऊपर आसमान की तरफ देखिए सभी बच्चे। हाँ, ऊपर में सभी का एकदम बिल्कुल छाती खुला हुआ, पूरे फेफड़े में पूरी हवा भरी हुई। अब जो है सो श्वासों को छोड़ते हुए दूसरे पैर को भी पीछे ले जाइए, नजर को अपने नाभि के ऊपर ले जाइए। नाभि को समझते हो आप लोग? अरे नाभि समझते हो? किसको बोलते हैं नाभि? यस सर। समझते हो? तो वेरी गुड। पूरा पूरा बॉडी को बेटा ऊपर, और एड़ी को सटा करके रखिए जमीन में। एड़ी को जमीन में सटाइए। देखिए एड़ी आप लोग का उठा, एड़ी एड़ी एड़ी। हाँ, बहुत बढ़िया। अब जो है श्वासों को समान करते हुए नीचे जाइए। सबसे पहले क्या लगाइए? दो घुटना लगाइए। चलिए घुटना सटाइए जमीन में, फिर छाती सटाइए दोनों हाथ के बीच में। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। अब लंबा गहरा श्वास लेकर के और सिर को ऊपर उठाइए दोनों हाथ पे ही। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, शाबाश। अब फिर श्वासों को छोड़ते हुए अपने नाभि को देखिए। चलिए फिर अपना अपना नाभि को देखिए, फिर बाई पैर को दोनों हाथ के बीच में लेकर के आइए। शाबाश, बहुत बढ़िया। दोनों हाथ के बीच में लाने की कोशिश करो बेटा, पैर हाथ को नहीं ले जाओ, पैर को लाओ पैर के पास घींच करके। वेरी गुड, कुछ बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं, शाबाश। अब श्वास को छोड़ते हुए दूसरे पैर को भी लेके आइए आगे, और सिर को अपना घुटने से लगाइए, पादहस्तासन में जैसे लगाए थे। फिर लंबा गहरा श्वास लेकर के दोनों हाथ को पीछे ले जाइए, ले जाइए पीछे, इस प्रकार से खींचिए बॉडी को। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब कोहनियों को मिलाते हुए प्रणाम की मुद्रा में आ जाइए, प्रणाम की मुद्रा में आ जाइए। शाबाश। तो कितने बच्चे सीख गए? जरा हाथ खड़ा करना बेटा, शाबाश। आप डेली आप कर सकोगे? और खास करके बड़े बच्चों को मैं बता रहा हूँ कि गांव के सारे छोटे बच्चों को ये सूर्य नमस्कार कराएंगे, आप बढ़िया से सीखेंगे, ठीक है ना? और जहाँ दिक्कत आएगी मेरे से पूछेंगे, मैं बताऊंगा सूर्य नमस्कार का क्या क्या लाभ है। आपके शरीर बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे, आपके शरीर लंबाई भी आपकी बढ़ेगी, मजबूती भी आएगी, हड्डी में भी मजबूती आएगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे, है ना? यस सर। आपके अंदर जो है सो सूर्य का तेज होना चाहिए, पेट की जुड़ी हुई सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, मसल्स आपके मजबूत बन जाएंगे। क्या है, बनेंगे नहीं बनेंगे? यस सर। तो सभी लोग योग करेंगे? यस सर। योग करना चाहिए? यस सर। वेरी गुड, यही जोश और जज्बा आप लोगों ने रखना है और डेली करना भी है, ठीक है? ठीक है बेटा। यस सर। तो अभी एक बार फिर से हमको नमूना दिखा करके एक बार पादहस्तासन का दिखाइए। चलिए आप लोगों कराते रहेंगे। चलिए पादहस्तासन, बहुत बढ़िया, शाबाश। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हुई हमारी, तो ये दूसरे लोगों तक पहुंचा दें, ताकि दूसरे गांव के, दूसरे शहर के बच्चे या बड़े बूढ़े कोई भी सूर्य नमस्कार को करें और अपने शरीर के अंदर में एक स्फूर्ति, एक जोश, एक ऊर्जा, एक आत्मबल को बढ़ाइए। सूर्य नमस्कार जरूर कीजिए। धन्यवाद। ओम।